आज देर शाम 10:30 पर वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके साथ लगभग 50 से ज्यादा सहयोगियों की टीम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक की संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान रांची उपायुक्त राय महिमापत्रे ने जानकारी देते हुए कहा कि रांची में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में तकरीबन 40,000 लोग प्रधानमंत्री के साथ योगाभ्यास करेंगे। योग करने वाले सभी लोगों की लिस्टिंग कर ली गई है। योगाभ्यास के लिए जिन्होंने भी ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके पास निर्गत कर दिए गए हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को योग करने के लिए टी शर्ट की व्यवस्था की गई है। योग शिविर में जाने से पूर्व लोगों को फल सहित नाश्ता का पैकेट दिया जाएगा। योग करने वालों को सुविधा देने के लिए रांची नगर निगम के सहयोग से रात्रि बस सेवा शुरू की गई है, जिससे योग में भाग लेने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। भीड़ को देखते हुए 8 जगहों पर इमरजेंसी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए 20 एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं मौके पर पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर बात करने की पाबंदी लगा दी गई है। काफी हद तक तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो मेजर ऐसे मेगा इवेंट, एक्चुअली मेगा से भी ये मेगा है क्योंकि मेगा इवेंट में लोगों को बाय नेम नहीं लिया जाता है। इसमें हर सीटिंग इवेंट पे मालूम नहीं कौन बैठेगा, किस रो में बैठेगा, तो इसलिए मेगा इवेंट है। उसमें चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, जो मेरे ख्याल से प्रभात तारा में कई बार कार्यक्रम हुए लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में हुए होंगे, 400 से अधिक अस्थायी शौचालय लगाए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था हो तो 100 टाइम पर 200 पेयजल पॉइंट्स बनाए गए हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो 8 मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स पॉइंट्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ करीब 20 एम्बुलेंस लगाई जा रही हैं। NDRF की पूरी टीम है कमांडेड के साथ ही साथ RAF रैपिड एक्शन फोर्स की पर्याप्त मात्रा में बल रखी जाएगी। पर्याप्त से ज्यादा मजिस्ट्रेट और फोर्स के पदाधिकारी मुफ्ती में और यूनिफॉर्म दोनों में रहेंगे। इसको अपना गेट एयरमार्क है। साथ ही साथ जो लोग जिनका किसी कारणवश एंट्री कार्ड जो है यहाँ का नहीं बना है उनको JN स्टेडियम में अकोमोडेट किया जा रहा है, सेंट थॉमस ग्राउंड में अकोमोडेट किया जा रहा है जहाँ पे लाइव इसका प्रसारण भी होगा और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन भी पाएंगे। ये पहली बार है कि स्टेज ऐसे बनाया गया है कि सभी दिशाओं में जो आखिरी व्यक्ति होगा उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाई पड़ेगा। प्रेस वार्ता के दौरान रांची वरीय पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि भीड़ को संभालने के लिए और कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कमांडेंट के साथ NDRF की पूरी टीम की तैनाती की गई है। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिनके पास एंट्री पास नहीं होगा ऐसे लोगों के लिए योग की व्यवस्था JSCA स्टेडियम में की गई है। वहां पर LED के माध्यम से प्रधानमंत्री को योगा करते देखा और सुना जा सकता है। कार्यक्रम में प्रवेश का समय 2 घंटे के लिए दिया जाएगा। यह समय सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे के बाद से पूरी तरह से प्रवेश रोक दिया जाएगा। ग्राउंड में सुरक्षा के और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सहयोग के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 11 एंट्री गेट्स बने हैं और हर एंट्री गेट्स में 6 से 7 DFMD लगे हुए हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके चेकिंग और फिस्किंग के लिए आने जाने वाले रास्ते निर्धारित हैं। सभी अलग से ट्रैफिक प्लान भी निकाला गया है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये आग्रह है कि समय से स्थान ग्रहण कर लें। जैसा उपायुक्त के द्वारा बताया गया है 3 से 4 के बीच वो यदि यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो 5 बजे तक वो अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सभी एंट्री गेट्स पे सभी सेक्टर्स में CCTVs लगाए गए हैं। 100 से अधिक CCTVs यहाँ पे अधिष्ठापित किए गए हैं और उनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी।